में खबरदार, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज महिला दिवस के दिन बंगाल चुनाव के रण में भी महिलाओं वाला फैक्टर छाया हुआ है। बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए महिलाओं के वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं वोटों पर ध्यान है और यही ममता बनर्जी का गेम प्लान है। आज बंगाल की महिला वोटों का गणित आपको बताएंगे। बंगाल में साइलेंट वोटर भी बड़ा खेल कर सकते हैं, इसीलिए ममता दीदी हो या पीएम मोदी, सब इन वोटरों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बीजेपी की रणनीति है चुपचाप कमल छाप, तो टीएमसी का उद्घोष है हरे कृष्णा हरे तृणमूल घरे घरे। इसके बाद जम्मू की रोहिंग्या कॉलोनीज के हालात का कागजी विश्लेषण करेंगे। ये रोहिंग्या मुसलमानों के वेरिफिकेशन पर आधारित रिपोर्ट है। जम्मू से आज तक की टीम ने ये रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट से ये संकेत मिलते हैं कि अवैध तरीके से भारत में आकर रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में रहने का समय खत्म हो चुका है और हो सकता है जल्द ही रोहिंग्या की विदाई का टिकट भी कटने लगे। ये खबर नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम सवालों पर फोकस करेगी। आज भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नेवी में देवी वाला विश्व संदेश दिया। नौसेना के वॉरशिप पर महिला अफसरों की तैनाती हुई है। जल थल और नभ में नए भारत की मैडम रक्षक से जुड़ी यह खबर देश की करोड़ों महिलाओं को हौसला देगी। इसके अलावा ब्रिटेन के शाही परिवार के नए राज आज की ट्रेंडिंग खबर बन चुके हैं। क्या ब्रिटेन के शाही परिवार में रंगभेद के आधार पर राजकुमारियों का मानसिक उत्पीड़न होता है? क्या शाही परिवार का प्रिंस बनने के लिए गोरा होना जरूरी है? ये सवाल उन खुलासों के बाद उठे हैं जो प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने किए हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। स्विट्जरलैंड में उधर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लग सकता है। वहां हुए जनमत संग्रह में 51.21% लोगों ने बुर्के पर रोक लगाने के पक्ष में वोट किए हैं, लिहाजा अब कानून बनने की संभावना है। आपको बता दें कि फ्रांस ने 2011 में चेहरे को पूरी तरह से ढकने पर बैन लगा दिया था। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और बुल्गारिया में भी सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक है। ये तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मंगलवार को नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। आपको बता दें मंगलवार को यानी कि कल ममता बनर्जी नंदीग्राम जाने वाली हैं। शुभेंदु का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी का ये काफी ज्यादा अहम दौरा नंदीग्राम का, क्योंकि एक तरफ टीएमसी से होंगी ममता बनर्जी उम्मीदवार तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उन्हीं के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी, जो उनको 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने की बात बार बार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आपको बता दें आज पूरी दुनिया में महिला दिवस की बात हो रही है, लेकिन बंगाल में ये वोट बटोरने का दिन बन चुका है। कोलकाता की सड़कों पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी चाल दिखी। ये चाल उस रास्ते पर है जिसमें उन्हें आक्रामक बीजेपी को काउंटर करने की उम्मीद दिखती है। पीएम मोदी ने कल कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में मेगा रैली की थी। आज ममता बनर्जी ने पैदल मार्च से इसका जवाब दिया है। इस पैदल मार्च के बहाने वो उन मुद्दों की पिच पर पहुंच गई जिन मुद्दों की पिच पर वो बीजेपी से खेलना चाहती हैं। महिला सुरक्षा, महंगाई और बंगाल अस्मिता, ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने मोदी शाह की जोड़ी को जमकर घेरा। इन मुद्दों पर ममता बनर्जी को लगता है कि वो बीजेपी के चुनावी नैरेटिव को बदल सकती हैं और इससे बंगाल में बीजेपी को चुनावी गोल करने से रोक सकती हैं। ममता बनर्जी वुमेन्स डे पर क्यों सड़कों पर उतर गईं? क्यों उन्हें वुमेन पावर में चुनावी वोटों का बूस्टर दिखता है? इसे बंगाल में महिला वोटर के गणित से समझा जा सकता है। बंगाल में करीब 7,20,00,000 वोटर हैं। इनमें 3,73,00,000 पुरुष और 3,59,00,000 महिलाएं हैं, यानी करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर। बंगाल का फैसला करती हैं ये महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संख्या में वोट भी करती हैं। पिछले चुनावों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले करीब 1% ज्यादा महिला वोटर्स ने वोट दिया था। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ममता बनर्जी का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर रहा है। इस बार भी उनकी चुनावी रणनीति यही है। टीएमसी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में 45 महिला कैंडिडेट उतारे थे।
इस बार के चुनाव में 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं। पूरे देश में इस वक्त जो इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, वो बंगाल में ममता बनर्जी ही हैं। उनका इस बार का नारा भी है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। आज बंगाली अस्मिता, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन तीनों मुद्दों को दीदी ने एक कर दिया और इन मुद्दों को उठाकर बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश की। सवाल यह है कि दीदी का ये दांव कितना चलेगा। खेल नहीं चलेगा, खेला खत्म। मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी चाइना, चाइना चाइना, अमित शाह चाइना, चाइना चाइना। दीदी इतना गुस्सा क्यों? जो कोई करो हमला, जवाब देवे बांग्ला। कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी का पैदल मार्च, ये उनके लिए नई बात तो नहीं है, लेकिन माहौल चुनाव का हो और महिला दिवस को भी मौका बनाया जाए तो ये जरा हटके है। दीदी ने पलटवार किया है उन चुनावी हमलों पर जो 24 घंटे पहले ही हुए। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई माँ है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। बंगाली बोलबे बांग्लार मेरा सुरक्षित नय, गुजरात सरकार पेश करा हिसेब बोलछे दु बछर राज्य 1944 टी खून और धर्षण शीर्षे अहमदाबाद এবং মোদি বাবুর প্রেয়ারের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ কথা বলে না। বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়। হাম কেতায় কুছ নেই চাইয়ে এক চিজ দিজিয়ে বিনা পয়সাতে গ্যাস দিজিয়ে। বলে কিনা বাংলা দখল করবে, আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা দিল্লি। ब्रिगेड मैदान में मेगा रैली से टीम मोदी ने शक्ति प्रदर्शन किया तो ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर नारी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उतर गई। कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक करीब 4.5 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। महिला सुरक्षा, महंगाई का मुद्दा, गले में तख्ती और जय बांग्ला का नारा, दीदी ने एक साथ कई चुनावी तीर छोड़े। জানে না বাংলায় ঘরে ঘরে ডাক্তার, ঘরে ঘরে ইঞ্জিনিয়ার। বাপ রে বাপ, কোভিড ভ্যাকসিনটাকে মোদি ভ্যাকসিন করে দিয়েছে। নিজের ছবি, স্টেডিয়াম নিজের নামে, স্কুল কলেজ নিজের নামে, ইসরোতে পর্যন্ত নিজের ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। কি মানে কে দেখবে ছবি? আমরাই তো কদিন বাদে ছবি হয়ে যাব, তো ওই ছবি কে দেখবে? মমতা ব্যানার্জি ভি আক্রামক হ্যায়, उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं, क्योंकि उनके सामने बड़ा चैलेंज है और इस बार बड़ा खतरा है। पीएम की मेगा रैली ने टेंशन भी बढ़ा दी होगी, लेकिन दीदी भी पलटवार कर रही है और जय बांग्ला की बात करके नया मोड़ निकाल रही है। बीजेपी ने सोनार बांग्ला का चुनावी नारा दिया है तो ममता बनर्जी जय बांग्ला की बात कर रही है। बीजेपी के मेगा प्रचार का मुकाबला वो ऐसे पैदल मार्च की रणनीति से कर रही हैं, जिसमें युवाओं और महिला वोटर पर फोकस है और जिसमें नारों का जवाब नारों से दिया जा रहा है। लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार पूरी सार। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बांग्ला चाय
উন্নতি বাংলা চায় শান্তি বাংলা চায় প্রগতিশীল বাংলা বাংলা চায় সোনার বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা पीएम मोदी की मेगा रैलियों से बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन दीदी पॉलिटिक्स के पास भी अपने दांव हैं, जिनसे वो बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। पीएम की दो और बड़ी रैलियां फिक्स हो गई हैं, 18 और 20 मार्च को वो फिर बंगाल जाएंगे। ये टक्कर बहुत जोरदार है। कोलकाता से अनुपम मिश्र और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा तब आया जब उत्तर दमदम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की बुजुर्ग मां की कुछ लोगों ने पिटाई की थी और इसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया था। इसी से बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, लेकिन ममता बनर्जी अब महिला सुरक्षा और क्राइम के मुद्दे पर बीजेपी को यूपी बिहार गुजरात के मामले और आंकड़े याद दिला रही हैं। इसी में उन्होंने बंगाली प्राइड को जोड़ लिया और बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित बताया। असल में अब यह लड़ाई उन वोटर्स के लिए हो रही है जिन्हें कई बार साइलेंट वोटर्स भी कहा जाता है। ये साइलेंट वोटर्स वो महिलाएं हैं जो अक्सर चुनावी समीकरण बदल देती हैं। अभी बिहार में चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी ने इसी का जिक्र किया था। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं, देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। अब ममता बनर्जी के लिए चुनौती है कि वो कैसे उन साइलेंट वोटर्स को इस बार भी अपने साथ बंगाल में रख पाती हैं, जिन पर बंगाल में बीजेपी की नजर होगी। फिलहाल तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती यही है कि वो अपनी पार्टी को ही एक नहीं रख पा रही। उनकी पार्टी में अब तक भगदड़ मची हुई है और बीजेपी का भर्ती अभियान लगातार जारी है। टीएमसी के 5 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए, इनमें एक सिंगूर के भी विधायक हैं, जहां जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चला था। ममता बनर्जी के लिए हालात इसलिए भी मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि ऐसे नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए जिन्होंने टीएमसी ने चुनाव का टिकट दिया था। इनमें हबीबपुर से टीएमसी की कैंडिडेट सरला मुर्मू का नाम है। हालांकि जिन 5 विधायकों ने आज बीजेपी ज्वाइन की उनका टिकट टीएमसी ने काट दिया था। खबरदार में अब बात उस बड़े मुद्दे की जिस पर कार्रवाई का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था। यह सवाल बार बार उठ रहा है कि अवैध तरीके से भारत में बसे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस कब भेजा जाएगा, कब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो बिना किसी कागज के किसी तरीके से भारत में घुस आए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से यहां पर सरकारी कागज बनवा लिए और यहां के नागरिक बन गए। इसी पर जम्मू में बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिस कार्रवाई से जम्मू को रोहिंग्या मुस्लिमों से खाली करवाने की तैयारी हो चुकी है। जम्मू से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू की इस रोहिंग्या बस्ती में पिछले 3 दिन से हड़कंप है। अवैध तरीके से बसे एक एक रोहिंग्या मुस्लिम की यहाँ पहचान की जा रही है, क्योंकि बात सिर्फ बसने की नहीं बल्कि यहाँ बसकर फर्जी तरीके से कागज बनवा लेने की। 2 रोहिंग्याओं को जो है गिरफ्तार किया गया और उनके पास जो है आधार कार्ड पाए गए और दूसरे जो है सरकारी भारत सरकार के जो कागजात हैं वो पाए गए और उससे यहां पर हड़कंप मच गया। और उसके बाद जो है अब जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जिस तरह के दिशा निर्देश है केंद्र सरकार से उसका पालन करते हुए यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनका वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है और वेरिफिकेशन के तहत इनसे जानकारी ली जा रही है, इनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और बायोमेट्रिक डिटेल्स भी नोट की जा रही है। जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो 3 दिन में ऐसे 155 रोहिंग्या मुस्लिम पाए गए जिनके पास कोई कागज नहीं था और ये अवैध तरीके से जम्मू में आकर बस गए। ऐसे रोहिंग्या को जम्मू से उठाकर कठुआ के होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। आपके किसी रिश्तेदार को भी लिया गया था वेरिफिकेशन के लिए? जी, हमारा सासा एक ले गया, सासी एक ले गया, हमारा भाई भी एक ले गया,
तो अभी कहाँ है वो, उनको क्या वहाँ होल्डिंग सेंटर में लिया गया है? कल भी ले गया, कहाँ ले गया पता नहीं है, अभी भी कोई सुना नहीं जा रही है इसकी। अभी कहाँ है वो पता नहीं हमको। अच्छा, कितने सदस्य आपके परिवार के, कितने मेंबर्स? ये तकरीबन होगा हमारा 22 से 8 से 7 होगा। इसी 7 आपके 7 रिश्तेदार होंगे। हाँ हाँ। तो आप यहाँ कब आए? हम आएगा 2012 में। 2012 में कहाँ से आए आप? हम आया सा म्यांमार से। म्यांमार से तो आए, लेकिन रास्ता कौन सा लिया आपने, किस रास्ते से आए? रास्ता आया सा मणिपुर साइड से आया था। मणिपुर से? तो यहाँ जम्मू में किसने आपको लाया? हम खुद आया था यहाँ, यहाँ से इतनी दूर जी, हम ऐसे पूछ कर आया था यहाँ। कहाँ म्यांमार और कहाँ जम्मू कश्मीर, लेकिन रोहिंग्या मुस्लिम कैसे यहाँ तक पहुँच गए, ये सोच कर ही हैरानी हुई। लेकिन जम्मू के नरवाल इलाके में पिछले 8-9 साल से रोहिंग्या मुस्लिम ने इसकी बस्तियां बना ली। दरअसल कठुआ जिले में जो हीरानगर सब जेल है, उसको परिवर्तित कर दिया गया एक होल्डिंग सेंटर के तौर पर, और वहीं पर जो है 155 रोहिंग्या मुसलमानों को रखा गया है। इस समय सरकार का कहना है कि उनके पास जो है कागजात नहीं पाए गए और अवैध तौर पर वो यहां पर रह रहे थे, लेकिन इसके कारण यहां पर जो है काफ़ी रोहिंग्या मुसलमानों में थोड़ा भय पैदा हो गया है। इनका कहना है कि इनको यहाँ पर रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि म्यांमार में जो है हालात काफ़ी ख़राब है। अब इन रोहिंग्या मुस्लिमों को डर है, क्योंकि जम्मू में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई, जो अवैध तरीके से भारत में घुसे बिना कागज जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए और 7-8 साल से वहां रह रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। आप कहां के असल में रहने वाले? बर्मा का। यहां कब आए थे? 2012 में आया था। अच्छा, अभी जब पुलिस आई थी उसने क्या आपके बेटे को यहाँ से लिया? यहाँ से लाया। यहाँ से लिया? लेची करना के लिए आ जाए ऐसे बोल दिया था, फिर उन्होंने, मैंने सोचा चलो बेटा लेच करना के लिए, फिर ऐसे लेच देन लेची कार्ड भी है, लेची करना के लिए गया था। कार्ड कौन सा है उनके पास? इन्हों कार्ड है, रिफ्यूजी, यूएन वाला रिफ्यूजी कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है? रिफ्यूजी कार्ड है। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है इनके हाथ में, ये है UNHCR, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, उनका ये कार्ड है। ये संयुक्त राष्ट्र की जो है शरणार्थियों के लिए एक एजेंसी है, उन्होंने इनको ये कार्ड इशू किया है। ये कार्ड कब आपको इशू किया गया था? जब से हम यहाँ हिंदुस्तान में आए तब से ये कार्ड मिला है हमको। ये किसने दिया आपको? यूएन की तरफ से, दिल्ली से मिलते हैं हमको। दिल्ली में मिला आपको जी? तो आपके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, आप गए थे वेरिफिकेशन के लिए? हमको नहीं ले गया, जिसको बुलाया है उनको उठा कर ले गया। अच्छा, हमको नहीं बुलाया। तो किसी को जिसको उठा कर लाया था वो वापस आया? वापस नहीं आया। इन रोहिंग्या मुस्लिमों का कहना है कि वो शरण लेने के लिए भारत आए हैं, उनके पास यूएन का कार्ड भी है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से ज्यादातर के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, यानी भारत में रहने का वक्त खत्म हो चुका है। ये किसका है? ये भी गुरवाला का है ना? आपने कहा उनके साथ में है कार्ड? आपने कहा ना उनके, इसका डेट खत्म हो गया ना। अच्छा, नया वाला बनाया? नया वाला बनाया। ये कब का है वैलिड डेट, जरा दिखाओ। 1 मई 2018 से 30 अप्रैल। अच्छा, यानी कि ये इसका जो है एक्सपायर हो गया है कार्ड। हाँ, ये तो अभी नया बनवाया था। हाँ, नया बनवाया। कहाँ से? इनवान का ऑफिस से बना। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये तो आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, ये देखिए आप, ये इस पर लिखा है 3 फरवरी 2020। ये नया जो डेट भरने दिया था वो आया नहीं है, ऐसा ही बोल रहा था। अब बिना किसी वैध कागजात के किसी दूसरे देश में रहना और इतनी बड़ी संख्या में आकर बस्तियां बना लेना, बात राष्ट्रीय सुरक्षा से भी सीधे जुड़ती है, और इसीलिए ये बड़ी चिंता है और बड़ा मुद्दा है। लेकिन इससे भी राजनीति हो रही है। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पर दस्तखत किया है, हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। उनको कभी कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेंट हुए थे उनकी चिंता नहीं है, लेकिन इन रोहिंग्यास के लिए उनकी जवान जल्दी खुल जाती है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस प्रकार के लोगों को इन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और उन पर एक्शन किया ही जाना चाहिए। सिर्फ किसी दूसरे देश से प्रताड़ित होकर आने वाले शरणार्थियों की बात नहीं है, बात तो अवैध तरीके से भारत में बस जाने वालों की है, जिन्हें घुसपैठिया कहना ही सही है, और उसमें भी जम्मू कश्मीर जैसा संवेदनशील राज्य जहां हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम बस गए हैं, इनकी वापसी की कार्रवाई कब तक रोकी जा सकती है? सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। भारत में जेंडर गैप की समस्या काफी पुरानी है, सामाजिक जीवन के साथ ही साथ प्रोफेशनल
वर्ल्ड में भी ये मुश्किल महिलाओं की तरक्की को रोकने का काम कर रही है। बीते 15 साल से देश में जेंडर गैप लगातार घटने के बावजूद भारत इस मामले में दुनिया भर में 149वें स्थान पर है। भारत के कारोबार जगत में पुरुषों का दबदबा कायम है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं की हिस्सेदारी में भी इजाफा हो रहा है। हाल ही में आई हरुण ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक बायकॉन की संस्थापक और MD किरण मजुमदार शॉ सबसे अमीर भारतीय महिला उद्यमी हैं, जिनकी संपत्ति बीते साल 41% से बढ़कर 352.06 अरब पर पहुंच गई है। 2020 में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हुए इजाफे के चलते शॉ की संपत्ति बढ़ी है। दूसरे सबसे अमीर महिला के तौर पर गोदरेज समूह की स्मितावी कृष्णा है, जिनकी संपत्ति 344.73 अरब रुपए है। तीसरे नंबर पर ल्यूपिन के संस्थापक देशबंधु गुप्ता की पत्नी मंजू देशबंधु गुप्ता हैं, जिनकी संपत्ति करीब 242.04 अरब रुपए है, जबकि UVS की चेयरपर्सन लीना गांधी की संपत्ति 154.03 अरब रुपए है। जोहो कॉरपोरेशन की राधा वेम्बू की 124.69 अरब रुपए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की जी अनुराधा की संपत्ति 110.02 अरब रुपए है। हालांकि इनमें से ज्यादातर महिलाएं अपने पारिवारिक कारोबार की बागडोर संभाल रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि अब ज्यादातर महिलाएं खुद के दम पर इस तरह की लिस्ट में शामिल हों। इसकी झलक रोजगार के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं दिखा भी रही हैं। हाल ही में बजट में जिस तरह से महिलाओं के लिए अलग से रकम जारी की गई है, उससे भी उम्मीद बढ़ी है कि अब महिलाओं को आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस बार 28,600 करोड़ जो खाली विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बजट को एलोकेट किया गया, आई एम श्योर वो उन्हें बहुत हेल्प करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स तो बहुत पहले ही इंस्टॉल कर दी गई थी, लेकिन अब उनको और बूस्ट मिला है। इस इंटरनेशनल विमेन डे पर हम यही कहना चाहते हैं, बिलीव इन योर ड्रीम्स, डू वॉट यू लाइक, लेकिन अपने साथ औरों के लिए भी काम करो, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी विमेन शुड हैव ईच अदर्स बैक्स, सपोर्ट योर ओन जेंडर। दरअसल भारत में महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने की कोशिशें तो लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन इनकी स्पीड काफी धीमी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों से भारत में जेंडर गैप लगातार कम हो रहा है, लेकिन अभी भी भारत आर्थिक लैंगिक अंतर के मामले में दुनिया में 149वें स्थान पर है। यानी 49वीं सदी महिला आबादी वाला देश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में बेहद पिछड़ा हुआ है। देखा जाए तो ये एक मौका गंवाने की तरह है। ऐसे में देश भर की महिलाओं को सशक्त बनाकर अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। महिलाओं का मानना है कि इसके लिए सशक्तिकरण की बात करने से ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को असल में मजबूत बनाया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट असली में तब माना जाएगा जिस दिन हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना बंद करते हैं, और इट शुड बी द डे फॉर इक्वल्स, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेन और वुमेन में। जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि हर कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, उसी तरह पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेसी में भी वुमेन को अच्छा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इससे वुमेन एम्पावरमेंट करना बहुत आसान होगा। और हम सब जानते हैं कि वुमेन हर फील्ड में जहां भी पहुंची है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत नाम कमाया है। इट्स नॉट अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, वी नीड टू जस्ट रिकॉग्नाइज अवर पोटेंशियल, वी नीड टू पुट अवर पोटेंशियल टू द बेस्ट यूज। There are so many government schemes now which are coming under women empowerment and they're facilitating for you to go out and reach your goals. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले हर एक स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, डिसाइड टीचरशिप, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट यू कैन थिंक ऑफ, हर चीज में वो समान भागीदारी लेके आगे बढ़ रही है। और ऐसे में वो साथ साथ अपने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बखूबी निभा रही है, और इसके चलते दोनों वर्ल्ड्स को बैलेंस करने के होड़ में कहीं ना कहीं उसका अपना हेल्थ जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। हेल्थ इज द ओनली वेल्थ और इज कंसिडर्ड एज अ मदर। Women plays a holistic role in everybody's life. Take all the precautions and preventive measures to serve the humankind. उम्मीद है कि अगले साल महिला दिवस के आने तक भारत में महिलाओं के हालात में सुधार आ जाएगा, और अगले साल के आंकड़े इस सुधार को बयां करेंगे। आज तक ब्यूरो।